हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल थर्ड डे इन जयपुर। आज बस हम निकलने वाले हैं, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और शॉपिंग करेंगे, फिर निकल जाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत थक गए हैं। उनसे ज़्यादा तो हम दोनों थक गए हैं, इससे ज़्यादा हमने ऐसे मैनेज नहीं कर सकते। बेटर है हम घर निकले। कैसे में खुश हो रहे हो आप? ये शानू बहुत खुश होती है, मेरे ब्लॉग से बहुत खुश होती है, आप लोगों से मिलकर बहुत खुश होती है। कैसे लगा शोना आपको यहाँ पे? हाँ, बुला रही है पापा को, जाना आपको बुला रही है। आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं, लास्ट चेक कर रहे हैं, रूम में कुछ है तो नहीं है। कैसे लगा आपको यहाँ पे? वापस हम घर जा रहे हैं ना, तो बताना तो पड़ेगा। बताओ, कल सबसे अच्छा लगा ना? चौकी थानी में बहुत फन करा हमने। अब किया ऊपर से नीचे तक, इसको दोबारा चेकआउट करिए प्रॉपर्टी को, फिर हम लोग निकलेंगे। ऊपर से ऐसे है, हाँ जी वहाँ ऊपर ही पूल है। पता क्या, दोनों बच्चों की ऐसी एज है कि ये छोटी वाली तो प्रेम में भी नहीं बैठती है, और वो वाली है कुछ ना कुछ पूछते रहना, बात ना मानने वाली एज है, और ये एक दूसरे के साथ अब इसे शैतानी करने लगी। तो वैसे हम आए तो एक दिन के लिए थे, लेकिन हमें लगा शायद एक और दिन रुकेंगे तो हम शायद थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन मोर लव दी सॉरी। अब आपको चेकआउट करते रहोगे? मोर लव दी सॉरी, इसकी चाय हम दो दिन और रुक जाए, लेकिन बच्चों के साथ इतना ही हो सकता है। तो ये वाला टॉय था कल हमने चौकी धानी से लिया था, सोचा तो ये था वहाँ जाके ऊपर स्टैंड करके पिक्चर करवाऊंगी, ऐसी पिक्चर करवाऊंगी, वैसी पिक्चर करवाऊंगी, कुछ नहीं हो पाया। और मैं रील्स बनाती थी, वीडियोस बनाती थी, बोलती थी राहुल को, लेकिन कह रहे थे नहीं यार बच्चे परेशान कर रहे हैं, चुप नहीं हो रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इवेंचुअली हम कहते थे चलो छोड़ो, अभी इनके साथ इंजॉय करते हैं इस टाइम को, तो कोई पिक्चर वीडियोस नहीं हो पाई हैं सच। बस ये है ना, आप लोग हो, ये ब्लॉग है, हमारी मेमोरीज हैं। तो ये जो शानू की आने बनाए थे ना, वो लेके आई है, शानू के लिए टॉय लिया था, और ये बनाए थे तो ये रखे थे, एक ये पिंकी बैंक है और एक ये दिया है। शिफ्ट हो जाओ शाना। तो हम आए रावत कचौड़ी वाले पे, क्योंकि गूगल करके पता चला ये सबसे फेमस, सबसे अच्छा है। निकल रहे हैं, ये लस्सी ली है सिर्फ, कचौड़ी बहुत अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी, तो हमने पैक करवाई थी, लेकिन हमें ये था किसी चटनी या सब्जी के साथ होती तो और अच्छी लगती। तो अगर जयपुर आए हो तो आलू प्याज की कचौड़ी खाना बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सच में यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन हर जगह अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि लास्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि बहुत स्पाइसी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अदरवाइज मैं यहाँ पे जितनी भी बार आई हूँ, 4-5 बार तो आई हूँ मैं जयपुर, उससे ज़्यादा होगा, तो हमेशा ही मुझे यहाँ पे आलू प्याज की कचौड़ी बहुत अच्छी लगी है। आज वैसी कचौड़ी मिली है तो बहुत अच्छा लगा है, हमने पैक भी करवाई है। और मीठी लस्सी सच बताऊँ तो ऐसी थी जैसे रसमलाई का दूध होता है, वैसे अच्छी थी। जिन्हों को ऐसी चीज़ थोड़ी सी गाढ़ी वाली अच्छी लगती है उनके लिए अच्छी थी, मेरा ओके ओके सही रहा है इसका एक्सपीरियंस। पर कचौरी के साथ भाई कोई सब्जी वब्जी ना मिलेगी? हाँ, ना कोई चटनी है, खाली सूखी कचौरी है, वरना मुझे लगा था वो लाल वाली मीठी और वो हरी चटनी तो जरूर होगी, लेकिन सिर्फ खाली कचौरी दी है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे वो पूरी थाली के साथ कचौरी देते हैं, जिसमें थोड़ी सब्जी भी होती है, दो चटनी होती है, तो अच्छे से देख के आना। अरे लो, पहले इन दोनों से बात करो, लोग आपको क्या बात करनी थी? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी सिस्टर है, ये मम्मा है, एंड आज हम जा रहे वापस घर। एक एक टू टू
पर गए थे हम, हम वापस घर जा रहे उससे। सानू आप बात करो, कहाँ गए थे, क्या करना है बता दो। मैंने कैमल पर राइड करा था, मैंने एलिफेंट पर भी करा था और मैंने हॉर्स पर भी करा था। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? मुझे सबसे अच्छा लग रहा था एलिफेंट, इतने बहुत क्यूट होते एलिफेंट। सानू क्वाइट हो जाओ। क्या देखो चले जाओ, जो घर आने का संपूर्ण मजा है ना, वो कंफर्ट कहीं मिल ही नहीं सकता, चाहे कितने भी लग्जूरियस होटल में जाओ, जो घर का कंफर्ट है कहीं नहीं हो सकता। टर्टल वापस आ गया। ओके हाँ। अरे मम्मी बस पूछो मत, कैसी रही हमारी ये ट्रिप? मैंने ये मेक करा था। क्या? अरे शानू भी आ गई है तो कहाँ घूमी करी? देखो इसने क्या बनाया था वहाँ पे, इसने खुद ने बनाया था ये इसके पिगी बैंक है और एक दिया है। तुमने तो शानू कमजोर कर दी। हम कमजोर कर दिए शानू ने, हमने ना करी है। मेरी लड्डू तो कमजोर कर दी। रुकती नहीं है, बस कहीं नहीं रुकती, गोद में रुकना ही नहीं होता इसने। जाओ 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 जाओ, कहाँ जाना? अभी कार में भी बस यहाँ से वाला टकना, वहां से यहाँ, बस यही इसको ये चीज चाहिए, बस नीचे छोड़ के रखो इसको। तो आज हम आए हैं अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट लेने। ये हमारी कॉफी रेट कम और ह्यूमिलिएशन रेट ज्यादा बन रही है। ये जो है ना, ये यही लास्ट की जगह है।